दोस्तों, मेड्यूसा ऐसी कैरेक्टर है जिसके जिक्र फिल्मों, गेम्स एंड कहानियों में किया गया है, लेकिन इसकी ओरिजिन है ग्रीक माइथोलॉजी से। मेड्यूसा तीन गॉर्गन सिस्टर्स में एक थी। गॉर्गन इन तीनों बहनों को साथ में कहा जाता है, लेकिन मेड्यूसा पहले से ऐसी नहीं थी। इन तीनों बहनों में से मेड्यूसा ही थी जो मॉडल और सुंदर पैदा हुई थी। बाकी दो बहनों के नाम थे स्थेनो एंड यूराइल। ये दिखते में मॉन्स्टर जैसे थे और ये दोनों इमॉर्टल भी थे। मेड्यूसा समुंदर के राजा फॉर्सिस और सीटो की बेटी बताया जाती है, लेकिन कई जगहों पर मेड्यूसा को गॉर्गन और सीटो की बेटी भी बताया गया है। मेड्यूसा की हिस्ट्री बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इस वीडियो में मैं आपके साथ मेड्यूसा से जुड़ी कुछ मिथ्स को एक्सप्लेन करूँगी। मेड्यूसा शब्द का अर्थ है गार्डियन एंड प्रोटेक्ट्रेस। अब मैंने आपको जो बताया कि मेड्यूसा पहले बेहद ही खूबसूरत हुआ करती थी, खास करके उसके केश जो बेहद ही खूबसूरत थे। मेड्यूसा को गॉडेस एथेना का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण वो ऐसी बन गई। लेकिन उससे भी बड़ा कारण था पोसाइडन, गॉड ऑफ सी, जो कि मेड्यूसा की सुंदरता को देखकर ही उसकी दीवाना हो गया। मेड्यूसा के साथ जो भी हुआ वो ग्रीक गॉड की क्रुएल्टी को दर्शाता है। तो मेड्यूसा पहले से ही ग्रीक गॉडेस एथेना की पुजारी थी। मेड्यूसा ने अपना पूरा जीवन ग्रीक गॉडेस एथेना के समक्ष गुजारने का प्रण लिया, पर इसकी एक शर्त ये भी थी कि लड़की को वर्जिन होना चाहिए। मेड्यूसा ये शर्त मानकर एथेना के मंदिर में अपना पूरा जीवन गुजारने लगी। तो मेड्यूसा की सुंदरता के चर्चे दूर दूर फैलने लगे, जिससे हुआ ये कि दूर दूर से लोग एथेना के मंदिर में मेड्यूसा को देखने चले आते थे। इस बात से एथेना मेड्यूसा के ऊपर मन ही मन चीरने लगी। दूसरी तरफ पोसाइडन भी मेड्यूसा के प्यार में पागल हो जाता है। पोसाइडन ने मेड्यूसा के सामने बहुत बार अपना प्यार का इजहार किया, लेकिन मेड्यूसा ने एथेना के ऊपर अपनी भक्ति के कारण पोसाइडन के प्यार को ठुकरा दिया। अब मेड्यूसा को पाने के लिए पोसाइडन के साथ एथेना की बहुत बार बहस होने लगी, लेकिन एथेना ने मेड्यूसा को पोसाइडन को देने के लिए इनकार कर दिया। तब पोसाइडन ने ठान लिया कि अगर इच्छा से ना हुई तो वो ज़बरदस्ती मेड्यूसा को पालेगा। तब मेड्यूसा भागकर एथेना के मंदिर में गई और उनको उसे बचाने के लिए कहा, लेकिन एथेना ने उसकी पुकार नहीं सुनी और पोसाइडन ने मेड्यूसा का इज्जत लूट ली। उसके बाद पोसाइडन वहाँ से चला गया और मेड्यूसा वहाँ पर ही पड़ी रही। तो एथेना ने मेड्यूसा को श्राप दिया कि जिस रूप पर उसको घमंड है वो रूप नहीं रहेगा और जो कोई भी उसको देखेगा वो पत्थर का बन जाएगा। अगर मेड्यूसा ने खुद भी किसी चमकदार चीज़ पे अपनी चेहरा देखी तो वो खुद भी पत्थर की बन जाएगी। मेड्यूसा की शरीर भी उसकी बाकी दो बहनों की तरह बन गई, सांप के जैसी शरीर और केश के बदले सांप। उसके बाद एथेना ने मेड्यूसा को ह्यूमैनिटी से दूर कर दिया। मेड्यूसा अपनी इन शक्तियों से डरती थी, क्योंकि वो अपने आँखों के सामने बहुत से लोगों को पत्थर का बना दिया। मेड्यूसा ने ग्रीक गॉड्स को श्राप देती रही, क्योंकि उन्होंने मेड्यूसा के साथ बहुत ही बुरा किया। धीरे धीरे मेड्यूसा के सर काट कर लाने के बाद इनाम मिलेगा ऐसा फैलने लगा। बहुत सारे हंटर्स गए, लेकिन वो सब पत्थर का बन गए। पर्सियस ज्यूस की नाजायज औलाद थे। पर्सियस को इस काम में राजा पॉलिडेक्टस ने धोखे से भेजा, क्योंकि वो पर्सियस की माँ से शादी करना चाहता था। उसको लगा था कि पर्सियस कभी नहीं लौटेगा। दूसरी तरफ ग्रीक गॉड्स ने भी ये डिसाइड कर लिया था कि मेड्यूसा के सर पर्सियस ही लेकर आएगा। गॉड्स ने भी इसमें पर्सियस की मदद की। हेडिस ने पर्सियस को अपनी हेलमेट दी, जिससे वो मेड्यूसा के सामने अदृश्य हो सके। एथेना ने उसको अपनी शील दी, जिससे वो मेड्यूसा को देख सके। इस शील्ड की काबिलियत ये थी कि ये मेड्यूसा की नज़र को रिफ्लेक्ट कर सकते थे। ज्यूस ने एक तलवार दी, जिससे वो मेड्यूसा का सर धड़ से अलग कर सके। इस घटना से पहले मेड्यूसा प्रेग्नेंट थी पोसाइडन के बच्चे से। जब उसके सर धड़ से अलग हुआ
तो दो बच्चों ने जन्म लिया, एक पेगासस सुंदर पंखों वाला सफेद घोड़ा और दूसरा क्राइसोर एक दानव जिसके हाथ में 12 सोने का तलवार था। उसके बाद पर्सियस ने मेडुसा के सर की मदद से बहुत से जंग जीती। इसके मदद से वो पॉलीडेक्टस को पत्थर का बना दिया जो उसके माँ के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता था। उसके बाद पर्सियस ने मेडुसा के सर को एथेना के पास भेज दिया जिसको एथेना ने अपने शील में लगा दी। मेडुसा के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं। कोई कहता है मेडुसा पहले से ही ऐसी थी जिसको अपने रूप पर बहुत घमंड था, लेकिन ये गलत बात है। मेडुसा बहुत ही अच्छी इंसान थी जिसको गॉड के ऊपर भरोसा था। मेडुसा की घटना गॉड के जेलासी को दर्शाता है। अगर उस दिन एथेना ने मेडुसा की पुकार सुन ली होती तो मेडुसा के साथ ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और वीडियो कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।